बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स हाफिजाबाद। टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, क्लास 4, यूनिट 5, लेक्चर 3, एक्सरसाइज 5.4। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें हम सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेकर हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन है, इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि अगर एक नंबर में से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें, द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा। एग्जांपल में देख लेते हैं, 583 माइनस जीरो, यानी अगर हम एक नंबर में से जीरो माइनस करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वही नंबर होगा। इसका आंसर होगा 583। नेक्स्ट है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स जीरो एज डिफरेंस, यानी अगर हम एक नंबर को उसी में से माइनस करें, जैसे ये एग्जाम्पल है 3775 माइनस 3775, यानी एक नंबर को उसी नंबर में से माइनस करें तो आंसर जो है वो जीरो के इक्वल होगा। थर्ड वन है, वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स द प्रीडेसेसर ऑफ द नंबर एज द डिफरेंस, अगर हम एक नंबर में से वन माइनस करें तो उसका आंसर जो होगा वो उसी नंबर का प्रीडेसेसर होगा, यानी वो उसे एक नंबर पीछे वाला होगा। जैसे एग्जांपल है 4287, अगर हम इसमें से वन माइनस करें तो हमारा आंसर होगा 4286, यानी ये इसका प्रीडेसेसर, यहाँ पे सेवन और यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, तो ये इसका प्रीडेसेसर, इसका आंसर होगा। अब इन्हीं रूल्स के मुताबिक हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन वन है, 8973 माइनस जीरो। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर एक नंबर में से हम जीरो माइनस करें तो उसका आंसर जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा, इसलिए इसका आंसर जो है यही होगा 8973। क्वेश्चन टू है, 54719 माइनस वन। तो रूल के मुताबिक अगर हम एक नंबर में से वन माइनस करें तो उसका आंसर जो है इसी नंबर का प्रीडेसेसर होगा, तो यहाँ पे नाइन की जगह पे एट आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 54718। क्वेश्चन थ्री है, 10,000 माइनस वन। तो अगर हम एक नंबर में से वन माइनस करें तो उसका आंसर जो है उसका प्रीडेसेसर होगा, इसमें से वन माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 9,999। क्वेश्चन फोर है, 80,427 माइनस 80,427। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम एक नंबर को उसी नंबर में से माइनस करें तो हमारा आंसर जो है वो जीरो को इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप लोग जीरो लिखेंगे। क्वेश्चन फाइव है, 9,999 माइनस, अब ये इसके इक्वल का इक्वल की दूसरी जानब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 9,998। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइन और यहाँ पे एट है, यानी इसका ये प्रीडेसेसर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम किसी नंबर में से वन माइनस करें तो आंसर जो है उसका प्रीडेसेसर होगा, इसलिए इस बॉक्स में आप लोग वन लिखेंगे। क्वेश्चन सिक्स है, 66,544 माइनस, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जीरो। तो हम जानते हैं, हमने रूल भी पढ़ा कि अगर एक नंबर को उसी नंबर में से माइनस करें तो आंसर जो है वो जीरो के इक्वल होगा, इसलिए इस बॉक्स में यही वाला नंबर आएगा, 66,554। क्वेश्चन सेवन है, 72,316 माइनस, बॉक्स खाली है, इज इक्वल टू 72,316। अब यहाँ पे वही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी जो क्वेश्चन के अंदर नंबर है आंसर में भी वही नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम किसी नंबर में से जीरो माइनस करें तो आंसर जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा, इसलिए यहाँ पे आप लोग जीरो लिखेंगे। क्वेश्चन एट है, 36,335 माइनस 36,334। तो यहाँ पे जो है इस नंबर का प्रीडेसेसर आंसर में दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे वन माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में वन लिखेंगे। क्वेश्चन नाइन है, 68,200 माइनस वन, अगर हम किसी नंबर में से वन माइनस करें तो आंसर उसका प्रीडेसेसर होगा, तो यहाँ पे आएगा 68,199। क्वेश्चन टेन है, 50,000 माइनस 49,000, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1,000। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होमवर्क, सॉल्व क्वेश्चन वन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग अपने बुक्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।